चैनल पर कैसे हैं आप। आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूं खजूरी सलवार किस तरीके से बनाएं, इजी और सिंपल कटिंग, जिसे नहीं भी आता वो भी बना सकता है। तो खजूरी सलवार, पटियाला सलवार देखने में बहुत अच्छी लगती है, तो बस मैं उसी की सिंपल कटिंग बताने के लिए आपको जा रही हूँ आज। तो मैंने इस तरीके का कपड़ा लिया है सलवार का, देखिए कुछ इस तरीके का, इसमें शाइन आ रही है गोल्डन कलर की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं सलवार बनाने के लिए इसको ले आई। तो बस ये है 4.25 मीटर कपड़ा, क्योंकि जितनी हैवी आपको सलवार चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं कपड़ा। 3 मीटर में भी बन जाएगी, लेकिन 3 मीटर में इतनी हैवी नहीं बनती है सलवार, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेकर आई थी, क्योंकि जितनी हैवी सलवार होती है उतनी ज़्यादा प्लेटें आती हैं और इतनी ही अच्छी लगती है। तो ये 4.25 मीटर कपड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ नाप के। सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर, तो देखिए 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। और इसी को मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ कितना मीटर ये कपड़ा है। ये हो गया 2 मीटर, और ये हो गया 3 मीटर, और ये जो है ये है एक्स्ट्रा, ये यानी 4.25 मीटर कपड़ा है। देखिए इतना एक्स्ट्रा है, ये 4.25 मीटर कपड़ा है, जिसमें बेल्ट के लिए भी आसानी से कपड़ा निकल जाएगा और कान भी निकल जाती है कपड़े में, तो इस वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं पहले देख लेती हूँ इधर कान है या नहीं, इधर कान नहीं है। मैंने इस तरीके से कपड़ा मोड़ लिया है और मैंने 10 इंच रखा है, यहाँ से मैंने 10 इंच चौड़ाई रखी है। ये हमको बेल्ट के लिए हो जाएगा और जो पाउचे बनाते हैं यानी मोरी, उसके लिए हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इस कपड़े को निकाल लूँगी। अब मैंने इस कपड़े को इस तरीके से मोड़ दिया है, यानी लंबा करके, हम पार्ट हमेशा लंबा करके निकालेंगे ताकि हमारा कपड़ा कम वेस्ट होगा और सलवार कम कपड़े में भी हैवी बनेगी। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से मोड़ दिया है लंबाई में कपड़े को, और एक बार मैं इसको मोड़ दूंगी इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मोड़ दूंगी मैं इस कपड़े को। इस तरीके से मैंने कपड़े को मोड़ दिया है और मुझे चाहिए 36 इंच लंबे पार्ट। मुझे बनानी है 40 इंच की सलवार। आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हैं, जितनी भी लेंथ चाहिए। 8 इंच की होती है बेल्ट और उस हिसाब से आप पार्ट रख सकते हैं। तो मैं 37 इंच रखूँगी, क्योंकि फिर सिलाई में भी थोड़ा सा कपड़ा जाता है एक्स्ट्रा, तो इस वजह से थोड़ा हमेशा हमें एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है और मैंने निशान लगा दिया है, क्योंकि 40 इंच मुझे तैयार चाहिए। तो देखिए मैंने 7 इंच चौड़ा रखा है और लिए मैंने इसकी 37 इंच लंबाई। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, मैं पूरा इसको इस तरीके से कट कर लूँगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ये पाउचे के काम आ जाएगा, नाड़ा वाड़ा बनाना उसके काम आ जाएगा। तो ये जुड़ा हुआ है बीच में से, तो हम इसमें भी कट लगा लेंगे। यहाँ से बीच से जुड़ा हुआ है, दो अलग अलग पार्ट चाहिए हमें। देखिए हमारे पार्ट कट चुके हैं और ये खुल के हो जाएंगे 14 इंच चौड़े। तो देखिए इस तरीके से ये पार्ट हमारे हो गए हैं तैयार, लेकिन इसमें जोड़ लगेगा, क्या फ़ायदा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से हम इसको मोरी के लिए यूज़ कर लेंगे कपड़े को, और वो जो हमने एक्स्ट्रा निकाला था उसकी हमारी बन जाएगी बेल्ट। तो ये हो गया हमारे पार्ट और बेल्ट का कपड़ा, और ये जितना कपड़ा अब हमारा बचा है हम इसको इस तरीके से चौड़ाई में इसको मोड़ लेंगे इस तरीके से। तो
तो देखिए इस तरीके से भी इक्वल है और ये इस तरीके से भी इक्वल है। तो इसको चौड़ाई में कपड़े को मोड़ लिया है और अब हम इसकी कली निकालेंगे। तो बताती हूँ मैं आपको कली पे किस तरीके से निशान लगाएं। आसन रखना है 8 इंच, तो मैंने 8 इंच पे इस पर लगा दिया है निशान इस साइड से, और 8 और इधर से 2 इंच पे। तो इस तरीके से मैंने इस पे निशान लगा दिया है। इस तरीके से मैंने इस तरफ भी 8 इंच पे निशान लगा दिया है आसन का, और इस तरीके से 2 इंच का निशान लगा दिया है। तो देखिए मैंने ऐसे इंची टेप रख दिया है और इसके साथ साथ मैं इस पे निशान लगा दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसकी करूंगी कटिंग ताकि हमारा एक सार कटे। इस तरीके से मैं लंबाई में इसमें निशान लगा लूंगी। अच्छे से समझ आ जाए इस वजह से पूरा अच्छे से कपड़ा दिखा रही हूँ किस तरफ से मैंने निशान लगाया है 8 इंच का। इस तरफ से मैंने आसन का निशान लगाया है इस तरीके से, और 2 इंच का इस तरीके से, और इसी तरीके से उस तरफ भी आसन का निशान लगाया है मैंने, और पूरी एक लाइन बना ली है जिसकी मैं अब कटिंग कर दूंगी। ये सबसे सिंपल तरीका है खजूरी सलवार बनाने का। आई होप आपको पसंद समझ भी आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है ताकि जिसको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती है वो भी समझ पाए। इसको अलग कर लूंगी ताकि हमें 4 कलियां मिल जाएंगी, 2 पार्ट और 4 कलियां हमें मिल जाएंगी। तो इस पार्ट मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूंगी स्टिचिंग का कि किस तरीके से हम स्टिचिंग करें, इसकी प्लेटें किस तरीके से डालें इसकी। तो देखिए ये कली हमें मिल गई है, ये इसका पार्ट है और ये एक कली है। कली है इस तरीके से आप निकालेंगे तो बहुत ही हैवी सलवार बनेगी, और इस तरीके से इसमें प्लेट डलेंगी। देखिए इस तरीके से प्लेट्स डल जाएंगी इसके अंदर, 2-2 इंच पे निशान लगा के। ये मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी किस तरीके से प्लेट डल जाएंगी इसके अंदर। हम एक साथ ऊपर नीचे रख लेंगे इस तरीके से। कलियाँ मैंने चारों ऊपर नीचे रख ली हैं, और किस तरीके से इससे हम निशान लगाएंगे खजूरी सलवार बनाने के लिए मैं वो बताऊंगी आपको। तो हम यहाँ से छोड़ देंगे 4 इंच, 4 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से, तो हमें 4 इंच यहाँ से छोड़ देंगे। तो यहाँ से 4 इंच छोड़ के, और 8 इंच छोड़ेंगे हम ऊपर आसन की तरफ से। तो 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है मैंने। अब हम ये 2-2 इंच पे, आपकी मर्जी है ऐसे कितने इंच पे पास पास चाहते हैं आप प्लेटें, तो पास पास लगा दीजिएगा, और अगर जो दूर दूर चाहते हैं तो थोड़ा दूर दूर लगा देना, लेकिन 2 इंच पे बहुत अच्छी आती हैं। ये दोनों कलियाँ मैंने एक साथ रख ली हैं तो ताकि दोनों पर एक साथ ही निशान लग जाए और हमें स्टिचिंग में आसानी हो। तो थोड़ी सी इसको ऊपर नीचे रख लें ताकि आराम से दोनों पे निशान आ जाए इस तरीके से। तो देखिए मैं 2-2 इंच निशान लगा दूंगी इस पे। देखिए मैंने 2-2 इंच पे प्लेटे के निशान लगा दिए हैं, और इस तरीके से हम इसको पहले से पिन के साथ या सिलाई के साथ इसको ऐसे करके प्लेटें करके फिर भी मार सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें प्लेटें आएंगी। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, तो पार्ट और कलियां तैयार हो चुकी हैं हमारी, और अब मैं बेल्ट की कटिंग करूंगी। तो देखिए जो कपड़ा था इसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे। देखती हूँ उसकी कितनी चौड़ाई है, क्योंकि मेरे को 22 इंच की बेल्ट चाहिए।
तो देखिए 22 इंची है, तो 22 इंच की मुझे चौड़ाई चाहिए, और ये है मेरी 10 इंच, क्योंकि इसमें अभी नाड़े के लिए फोल्ड होगा और सिलाई लगेगी, तो ये 8 इंच तैयार हो जाएगी। एक्स्ट्रा ही रखें, देखिए इस तरीके से तैयार हो जाएगी। इसका ये मुड़ जाएगा यहाँ से, तो ये बेल्ट हो गई, और ये हो गई हमारी सलवार की कटिंग पूरी, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो इसकी मोरी बन जाएंगी। समझ आया होगा जो मैंने कटिंग का तरीका बताया है, आपको समझ आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रही होगी वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। जो न्यू है मेरे चैनल को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊँगी आपके लिए। बाय।